दोस्तों, केक कोर में हम लोगों ने जो कॉइन यहाँ पे स्टेक किया था, स्टेकिंग के बाद में हमारा कॉइन शो हो रहा था। लेकिन इस समय आप देखेंगे यहाँ पे दो वर्जन शो हो रहे हैं, एक न्यू वर्जन एक ओल्ड वर्जन। लेकिन हम लोगों ने जो यहाँ पे कॉइन स्टेक किया था वो कॉइन यहाँ पे शो नहीं हो रहा है, तो इसका क्या अपडेट है? और इसी के रिगार्डिंग बहुत सारे लोगों का क्वेश्चन आ रहा था कि हमने 10,000 कॉइन स्टेक किया था, किसी ने 2,000 कॉइन स्टेक किया था, किसी ने 5,000 किया था, किसी ने 50,000 किया था, तो उनका कॉइन शो नहीं हो रहा था, तो इसके रिगार्डिंग क्या अपडेट है वो हम आपको इस वीडियो में बताएंगे। और आपका कॉइन कैसे रिकवर होगा वो प्रोसेस हम इस वीडियो में कवर करने वाले हैं। लेकिन उससे पहले हम आपको एक चीज़ और बता दें, वॉलेट में जो आपका कॉइन पड़ा हुआ है वो आप यहाँ पे देख सकते हैं। मेरे पास 1200 कॉइन थे, मैंने 1000 स्टेकिंग पे लगा दिए थे और 200 कॉइन मेरे यहाँ पे पड़े हुए थे, तो 200 अभी शो हो रहे हैं। लेकिन जो स्टेकिंग पे लगाया था वॉलेट कनेक्ट करने के बाद भी वो कॉइन शो नहीं हो रहा है। साथ ही साथ एक लेटेस्ट वीडियो हमने आपको प्रोवाइड किया था, यहाँ पे आप देखेंगे आइसक्रीम स्विप की तरफ से कहा गया था कि ये इनका जो कॉन्टैक्ट एड्रेस है एक तरीके से स्कैम है, उसके बारे में मैंने पूरी जानकारी उसमें प्रोवाइड की थी। तो एक आप देखेंगे केकूर की तरफ से भी यहाँ पे स्टेटमेंट निकल के आ चुका है, उसका भी अपडेट प्रोवाइड करेंगे। यहाँ पे आप देख सकते हैं ये नाइट में ही प्रोवाइड कर दिया गया था केकूर की तरफ से, और इसमें आप देखेंगे तो ये सारी जानकारी यहाँ पे शेयर की गई है, तो इसका क्या अपडेट है वो भी हम आपको बताएंगे। तो पहले सीधे चलते हैं, आपका कॉइन कैसे रिकवर होगा वो प्रोसेस बताते हैं, उसके बाद आगे के अपडेट्स जो हैं उनको कवर करेंगे। मैं आलोक आप सभी का स्वागत करता हूँ अपने चैनल टेक्निकल आलोक में। आपका कोई क्वेश्चन है, क्वेरी है, फटाफट से कमेंट बॉक्स के थ्रू बताइए। चैनल पर नए आए हैं चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। जब आप केकूर की ऑफिशियल वेबसाइट है जिसपे स्टेकिंग वगैरह किया जाता है इस वेबसाइट पे आ जाते हैं, तो यहाँ पे आपको सर्च करना ही होता है, ये तो आप सभी को पता है, केकूर.io यहाँ पे सर्च करना है और आपका कॉइन यहाँ पे शो कर जाएगा। उसके बाद में आपको क्या करना है कि ये जो आपको मिल रहा है यहाँ पे कनेक्ट वॉलेट का, कनेक्ट वॉलेट कर लेना है। लेकिन मैं उतने ही समय के लिए आपको कनेक्ट करना है जितने समय के लिए आपका ये कॉइन शो होगा, उसके बाद फिर से आप डिसकनेक्ट कर देना और फिर जब आपको ज़रूरत पड़े फिर आप कनेक्ट कर लेना। तो यहाँ पर हम कनेक्ट वॉलेट पर क्लिक करते हैं, कनेक्ट वॉलेट पर क्लिक करेंगे, वॉलेट आपका कनेक्ट हो चुका है। आप यहां पे देख सकते हैं मेरा सक्सेसफुल कनेक्ट हो गया है और यहां पे अब मेरे सामने दो वॉलेट यहां पे शो हो रहे हैं। एक तो आप देखेंगे न्यू वर्जन है, एक ओल्ड वर्जन है। ये मैं आपको बता देता हूं, ये ओल्ड वर्जन यानी ओल्ड कॉन्टैक्ट एड्रेस, न्यू वर्जन यानी न्यू कॉन्टैक्ट एड्रेस। लेकिन यहां पर आप देखेंगे ये आपके सामने शो हो रहा है, तो इसमें तो आपका कॉइन शो नहीं हो रहा है, तो आपको क्या करना है, ये जो यहां पर मिल रहा है ओल्ड वर्जन इसी पर आपको क्लिक करना है। आप इस पर क्लिक करेंगे, क्लिक करने के बाद आप देखेंगे यहां पर कुछ प्रोसेसिंग होती है और प्रोसेसिंग होने के बाद जो कॉइन आपने यहां पर स्टेक किया था वो कॉइन आपका अभी भी शो नहीं होता है, तो आपको क्या करना है कि न्यू वर्जन में यहाँ पे यानी ओल्ड वर्जन में ही यहाँ पे कनेक्ट वॉलेट कर लेना है। अब जैसे ही आप यहाँ पे वॉलेट कनेक्ट करेंगे आपका कॉइन जो होगा वो यहाँ पे शो होना शुरू हो जाएगा और आप यहाँ पे देखेंगे प्रोसेसिंग हो रही है और मेरा कॉइन यहाँ पे शो होना शुरू हो चुका है। तो जो लोग ये क्वेश्चन आ रहा था कि मेरा कॉइन शो नहीं हो रहा है, तो मैंने यहाँ पे रिकवर प्रोसेस बता दिया है, इस तरीके से आप कर सकते हैं। यहाँ पे आप देखेंगे क्लेमिंग का भी प्रोसेस आ रहा है, लेकिन यहाँ पे आप देखेंगे कोर जिन लोगों ने स्टेकिंग किया था उनका भी प्रोसेस आ रहा है। यहाँ पे आप देख सकते हैं जिन लोगों ने कोर किया है, और जबकि मैंने हर वीडियो में आपसे कहा था कि कोर यहाँ पे किसी को भी स्टेक नहीं करना है, कोर स्टेक के लिए मैंने आपको बताया भी था कि कहाँ पे आपको स्टेक करना है, जो कोर की ऑफिशियल वेबसाइट है उस पे आपको स्टेक करना है। लेकिन फिर भी लोग पता नहीं क्या सोचते हैं और यहाँ पे कर देते हैं। आपको बताते हैं यहाँ से जो आपका वॉलेट है वो आपको डिस्कनेक्ट कैसे करना है, और जब आप दोबारा से यहाँ पे आएंगे फिर से आप कनेक्ट कर लेंगे। तो सिंपल तरीके से आपको इस पर क्लिक करना है, जैसे ही आप इस पर क्लिक करते हैं, इस पर क्लिक करने के बाद यहाँ पे आपको मिलता है एक ऑप्शन परमिशन वाला, इसी परमिशन वाले ऑप्शन पे आपको क्लिक करना है। इस पे जैसे ही आप क्लिक करेंगे तो यहाँ पे आप देख सकते हैं दो वॉलेट शो हो रहे हैं, अब आप कौन सा अपना यहाँ पे डिस्कनेक्ट करना चाहते हैं, जो वॉलेट आपका यहाँ पे लॉगिन है, तो ये वाला मेरा लॉगिन है, ये आप देख सकते हैं डिस्कनेक्ट का ऑप्शन मिल रहा है, तो डिस्कनेक्ट यहाँ से हम कर देंगे। अब डिस्कनेक्ट आपका हो चुका है, अब आपके वॉलेट से इस यानी जो ये साइड है इसका कोई लेना देना नहीं है। जब आप दोबारा यहाँ पे लॉगिन करेंगे और कनेक्ट करेंगे तब फिर से आपका ये जुड़ जाएगा, ठीक है। ये सोच रहे हैं कि केकूर की तरफ से ये अपडेट क्यों प्रोवाइड किया गया है, तो हम आपको बताना चाहेंगे जो यहाँ पे आइसक्रीम स्विप की तरफ से एक अपडेट प्रोवाइड किया गया था और वो क्या था वो भी मैं आपको एक बार दिखा देता हूँ, फिर यहाँ पे आएंगे लौट के। देख सकते हैं शाम को ही इनके द्वारा अपडेट दिया गया था और मैंने ये अपडेट आपको शेयर भी किया था वीडियो के थ्रू, मैंने आपको इसकी जानकारी भी दी थी कि कैसे आपको वॉलेट डिस्कनेक्ट कर लेना है। और यहाँ पर आप देख सकते हैं वार्निंग डोंट गेट स्कैम। मैं यहाँ पर किसी की भी गलती नहीं मानता हूँ, मैं गलती मानता हूँ किसकी, केकूर की और दूसरा यहाँ पर कोडाओ की। कोडाओ को ये यहाँ पे शो करना चाहिए कि सारा कुछ डाटा अगर इनका शो कर रहा है तो ये जेन्युइन प्रोजेक्ट है या फेक प्रोजेक्ट है। लेकिन अब हम आपको केकूर का भी यहाँ पे अपडेट दिखा देते हैं, लेटेस्ट इनकी तरफ से क्या कहा गया है। ओपननेस एंड ट्रांसपेरेंसी, यानी इनकी तरफ से कहा जा रहा है कि जो हमारी यहाँ पे शुद्धता है यानी एक तरीके से क्लियरिफिकेशन है वो क्या है,
एज वी हैव अनाउंस वी आर टेम्प्रेरी ब्लॉकिंग पूल क्रिएशन एंड डिसेंट्रलाइज एक्सचेंज। इस तरफ से कहा जा रहा है कि हमने पहले ही यहाँ पे अनाउंसमेंट किया था कि जिन लोगों ने भी यहाँ पे डिसेंट्रलाइज एक्सचेंज पे यहाँ पे पूल क्रिएट कर लिया एक तरीके से कॉइन का, विच मीन्स द स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट कैन नॉट टेक फ्रॉम पूल क्रिएटर एंड वॉलेट फॉर पूल क्रिएशन इवन फॉर क्रिएटर एंड ए पब्लिक ट्रांसपेरेंस एंड फॉल्स। अब यहाँ पे कहा जा रहा है कि जो आप सभी ने ये क्रिएट किया था डिसेंट्रलाइज एक्सचेंज पे, यानी जिन लोगों ने भी यहाँ पे सेल वगैरह था कर रहे थे, तो उनका यहाँ पे किसी का भी अप्रूव नहीं होना था, ये इनकी तरफ से कहा जा रहा है। हाउएवर इन द ऑर्डर फॉर केक कोर यूजर कैन डेलीगेट केक थ्रो फॉर इंटीग्रेशन विद द स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट बी मस्ट फॉर सब कोर्स एंड दैट अलाउ फॉर स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट बी अवल टू केक फ्रॉम डेलीगेट एंड डेलीगेट फॉर डेलीगेट केक। अब यहाँ पे कहा जा रहा है कि जो आप सभी ये सोच रहे हैं कि हमारा ये स्कैम है, तो इसके रिगार्डिंग हम आपको बताना चाहेंगे यहाँ पे कुछ भी स्कैम नहीं है। ये कहा जा रहा है केक कोर की तरफ से यूजर चाहता है कि हम स्टेक करें यानी डेलीगेट वगैरह करें तो वो कर सकता है हमारे यहाँ पे जो भी यहाँ पे प्लेटफॉर्म है हमारा। दूसरा यहाँ पे आप देखेंगे थोड़ा सा नीचे आएंगे तो ये आप देख सकते हैं इनकी तरफ से वही प्रोग्रामिंग जो लैंग्वेज है वो यहाँ पे ऐड की गई है, ये आप यहाँ पे देखेंगे जो मैंने कल आपको शो की थी। और यहाँ पे आप देखेंगे तो कहा जा रहा है द ओनली कॉन्टैक्ट एड्रेस यू कैन इंटरेक्ट फॉर द वैलिडेट कॉन्ट्रैक्ट एड्रेस, ये वैलिडेट कॉन्ट्रैक्ट एड्रेस है। अब यहाँ पे कहा जा रहा है कि अगर आप चाहें तो यहाँ पे स्कैन कोड आउट पे जाकर के पूरी डिटेल चेक कर सकते हैं कि किस तरीके का हमारा कॉन्ट्रैक्ट एड्रेस है। अब मैं यहाँ पे किसी गलती मानता हूँ, यहाँ पे सीधी सीधी केक कोर की, जब आपका यहाँ पे जेन्युइन है तो आपने यहाँ पे इसकी सिक्योरिटी के रिगार्डिंग इसको ऑडिट क्यों नहीं कराया, आपने किसी अदर प्लेटफॉर्म के साथ यहाँ पे इंटीग्रेशन क्यों नहीं किया, आपने यहाँ पे आप देखेंगे कोई भी अभी तक जितना भी इनका अपडेट निकल गया है किसी भी अदर प्लेटफॉर्म के साथ इनका एक एग्रीमेंट नहीं हुआ है। लेकिन मैं यहाँ पे एक चीज़ और बताना चाहूँगा, अगर आप देखेंगे क्योंकि हम लोग यहाँ पे काफ़ी समय से काम कर रहे हैं क्रिप्टो में, तो आपने देखा होगा छोटे छोटे जो प्रोजेक्ट हैं जैसे आपका यहाँ पे फ्यूचर स्टिक्स है, तो फ्यूचर स्टिक्स की तरफ से भी आप देखेंगे 3 से 4 प्लेटफॉर्म के साथ यहाँ पे कॉन्टैक्ट हो चुका है, यानी एक तरीके से एग्रीमेंट हो चुका है, जबकि उसके भी आप फॉलोअर्स देखेंगे तो लगभग 37,000 के समथिंग है, 30 से 37,000 के समथिंग के बीच में ही है और यहाँ पे लगातार उनका इंक्रीजमेंट यहाँ पे हो रहा है। साथ ही साथ आप इनकी तरफ से आप देखेंगे 1,07,000 के समथिंग, 1,08,000 के समथिंग यहाँ पे पहुँच चुके हैं फॉलोअर्स, लेकिन अभी तक इनकी तरफ से कोई भी यहाँ पे कॉन्टैक्ट एड्रेस ऑडिट नहीं कराया गया है, ये सबसे बड़ी मिस्टेक है। और यहाँ पे आप देखेंगे सबसे बड़ी मिस्टेक है कोरडाओ की, जो कोरडाओ अपनी ब्लॉकचेन पे यहाँ पे कोई भी कॉन्ट्रैक्ट अगर शो हो रहा है इनके एक्सप्लोरर पे तो इनको यहाँ पे क्लेरिफिकेशन देना चाहिए कि हाँ रियल है या फेक है। प्रोसेस है हमने आप सभी के सामने रखा है, अब जो क्लेरिफिकेशन है वो 15 तारीख के बाद ही होगा जब यहाँ पे अनाउंसमेंट करेंगे कि किस एक्सचेंज पे ये लिस्ट हो रहा है और किस किस एक्सचेंज पे ये लिस्ट नहीं हो रहा है, यानी केक कोर की तरफ से भी अनाउंसमेंट किया जाएगा। अब हम आपको एक एयरड्रॉप की तरफ लेकर के चलेंगे जो हमने टेलीग्राम पे आपको शेयर कर दिया है, टेलीग्राम पे हम आ चुके हैं और ये जो प्रोजेक्ट है एक तरीके से बाइनेंस लैब के द्वारा यहाँ पे फंडेड है, तो इस प्रोजेक्ट को आप मस्ट ज्वाइन कर लीजिए। सबसे पहले आपको लिंक पे क्लिक करना है, ईमेल फिल करना है, अगर आप चाहें तो डिस्कॉर्ड का यूजर नेम दे सकते हैं, अगर ना चाहें तो उसको छोड़ सकते हैं। उसके बाद आपको कैप्चा फिल करना है और ये आपका कंप्लीट हो जाएगा। मैं भी इसको करके आपको दिखा देता हूं, जैसे ही आप क्लिक करते हैं किसी का इंटरफेस आपके सामने आ जाता है। यहाँ पे आपको करना क्या है देख लीजिए आप, यहाँ पे आपको ईमेल डालना है, यहाँ पे आपको डिस्कॉर्ड नेम ये आपको क्लिक करना है और यहाँ पे आपको कंटिन्यू पे क्लिक करना है, ये सारा कुछ आपका हो जाएगा। तो फटाफट से एक बार हम भी फिल कर लेते हैं। अगर आप अपना यूजर नेम निकालना चाहते हैं डिस्कॉर्ड से, सिंपल तरीके से आपको यहाँ पे सेटिंग पे क्लिक कर देना है, तो सेटिंग पे क्लिक कर सकते हैं, आपको ये मिल जाता है, इसी को आपको थोड़ा सा दबा के रखना है, आपका ऑटोमेटिक यहाँ से कॉपी हो जाता है। यहाँ पे आप देख सकते हैं हमने ईमेल भी फिल कर लिया है और जो यूजर नेम कॉपी किया था वो भी कर दिया, इसको भी कर दिया क्योंकि यहाँ पे कैप्चर करना पड़ता है। कंटिन्यू पे क्लिक कर देंगे, जैसे ही हम कंटिन्यू पे क्लिक करते हैं यहाँ पे आपका वेरिफिकेशन कंप्लीट हो जाता है और आपका सक्सेसफुल आपको 100 पॉइंट क्रेडिट कर दिए जाते हैं। आप यहाँ पे देख सकते हैं आपके वॉलेट में 100 पॉइंट यहाँ पे क्रेडिट कर दिए गए हैं, ये आपका टास्क कंप्लीट हो चुका है। रिगार्डिंग आपके कोई डिफरेंट क्वेश्चन हैं, क्वेरीज हैं, आप हमें बता सकते हैं। चैनल पर नए आए हैं चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, हमसे कोई गलती हो जाती है छोटा भाई समझ के माफ कीजिए। इस वीडियो में फिलहाल इतना ही, तब तक नमस्कार, किसी अदर टॉपिक पे फिर होगी आपसे मुलाकात। थैंक यू फॉर वॉचिंग।